ओम शांति 27/12/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। प्रश्न: सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? उत्तर: इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत: ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसको पतित पावन, दुख हरता, सुख करता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं। फिर दुख कौन और कब देता है, यह भी तुम समझते हो। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है, तो उनको दुख धाम कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है। मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते, इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है। बाप तो किसको दुख नहीं देते, बाप तो सदा सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती। उनका नाम है शिव। यह किसको पता नहीं पड़ता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, परंतु वह क्या चीज है, कब से आया, क्यों जलाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्हों को यह पता होना ही नहीं है। बाप समझाते हैं हर एक का पार्ट अलग अलग है। मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है। मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है। इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं। यह जानते ही नहीं कि दुख हरता, सुख करता, पतित पावन कौन है। पतित कैसे बने और पावन कैसे बनेंगे, पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय है ही भक्ति मार्ग। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, बस इतना बुद्धि में आता है, इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जरूर उनको ही ज्ञान देना है। वही सदगुरु सदगति दाता है, इसलिए उनको पुकारते हैं, आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते उतरते आते हैं। जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही। भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है। अगर उनको दिखाओ भी तो भी उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी है ना। उनको सतो रजो तमो में तो आना ही है। अभी सब तमो प्रधान है। अब बाप समझाते हैं यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं। दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते, वहां तो सुख ही सुख है। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था, और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज कोई निकलती है तो वह फैलती है। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं।
यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वह कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। सबको पता पड़ जाएगा। बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता। दुनिया में तो अनेक मत है, कोई कहते नेचर है, कोई कहते आत्मा निर्लेप है। पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे, समझेंगे बरोबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है, तुम्हारे धर्म की बात अलग है। बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़े ही आया। यह सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएंगी, सीढ़ी से नहीं। झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे यह बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो। हम पावन बन बाप को याद करें तो वे कर्म विनाश हो। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है, लड़ाई तो लगनी ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है। यह बड़ी लंबी कहानी है, बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम जानते हो यह सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुम कितनी तकलीफें ली हैं। मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफें ली हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। यह सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा। बढ़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। अभी वह फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। सभी धर्म हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है, थोर है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है। दूसरे झाड़ फाउंडेशन बगैर सूख जाते हैं, क्योंकि थुर बगैर पानी कैसे मिले। परंतु वह बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा है, यह वंडर है ना। वैसे ही इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है नहीं, अपने को समझते ही नहीं है। देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे, तो नाम बदल हिंदू रख दिया है। देवताओं के सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर रही है। जिससे समझते हैं स्वर्ग में उन्हों का राज्य था, परंतु वह स्वर्ग कब था यह कोई जानते ही नहीं। सतयुग की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी है। जो पास्ट हो गया है वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। वही फीचर्स अभी थोड़े ही हो सकते हैं, वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। यह ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वह सब भक्ति करके पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं आप जानी जानन हारो। बाप कहते मैं कोई एक एक के दिल को थोड़े ही बैठ जानूंगा। कोई कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, हम विकार में जाते हैं आप सब जानते होंगे। बाप कहते हैं मैं सारा दिन बैठ यह जानता हूँ क्या, मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे इसमें तुम्हारा क्या जाता है, बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। हिसाब किताब चुप तू कर सबको जाना है, तुमको सत्व प्रधान बनना है। तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती नहीं हो सकती। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, तो कुछ भी बता नहीं सकते। भक्ति अलग चीज है, बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किस में प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो। वह दोनों को एक कर देते हैं, वह सूक्ष्म वतन वासी, वह परम धाम के वासी। दोनों के स्थान अलग अलग हैं,
फिर एक नाम कैसे रख सकते हैं? वह निराकारी व आकारी। ऐसे थोड़े ही कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है, इसलिए तुम शिव शंकर कह देते हो। बाप समझाते हैं मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुमको यह किसने बताया कि शिव शंकर एक हैं? शंकर को तो कभी कोई गॉडफादर नहीं कहते, उनको तो गले में सांप डाल शक्ल ही कैसी बना दी है, फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं। शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। एक शिव बाबा की भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं आंख खोली तो विनाश हो गया। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़े ही होते हैं, वह तो पैदाइश यहाँ की है। कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं यह भी समझते नहीं कि हम पतित हैं। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहला सकते हैं? शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं है, उन्हों का तो नाम ही है सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? सन्यास धारण करने वाले को गेरु वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, भगवान को भी यह वेश धारण करना पड़ता है क्या? वह तो है ही पतित पावन। कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूँ। ड्रामानुसार हर एक अपना अपना पाठ बजाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं हैं। शास्त्रों से किसकी सदगति नहीं होती? सदगति होती है एक सत बाप से। ड्रामानुसार यह शास्त्र भी जरूरी है। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता किसने सुनाई वह भी कोई जानते नहीं है। तुमको मुख्य जोर देना है गीता पर। गीता ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है। अभी यह धर्मशास्त्र किसने और कब रचा और इससे क्या हुआ कोई जानते नहीं। गीता में जो कुछ लिखते आए हो वह फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा व बुरा कुछ नहीं कहते हैं, परंतु समझते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे मनुष्य उतरते जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में तो आना ही है। जब सब अपना अपना पार्ट बजाने आ जाते हैं तब अंत में बाप आते हैं सबको ले जाने। इसलिए उनको कहा जाता है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। वह जब आते हैं तब ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अब बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा, फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष यह पाठ बजाना ही है। यह चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो ना पतित पावन को जानते, ना पावन से पतित कौन बनाते यह जानते। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुमको कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ है? तुम बोलो यह बेहद का बाप कहते हैं, वही नॉलेज दे रहे हैं, हम उन द्वारा समझदार बने हैं। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं यह ज्ञान बहुत अच्छा है। बाहर गए खलास, क्योंकि वह सब है रावण के मुरीद। तुम अब बने हो राम के मुरीद। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह है रूहानी सेवा। रूहों को ही समझाना होता है, समझती भी रूह है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते हो। देह ही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। कितना फर्क है। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई और धर्म नहीं था। अभी कितने मनुष्य हैं? अभी तुम हो संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतोप्रधान बन वापस घर चलना है, दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरा, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है, रूहानी सेवा करनी है। वरदान, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं सुख सागर।